sir. Okay, so today we will start binomial theorem, and binomial theorem, before knowing the binomial theorem, you have to know about some preliminary concepts. These are very easy. Binomial theorem পড়বার জন্য কিছু preliminary concept দরকার, যেগুলো খুব সহজ। আমরা সেগুলো সম্পর্কে এক্সট্রা তেমন কিছু করব না, না করেই আমরা বোঝার চেষ্টা করব। ওকে, अभी binomial theorem का application क्या है, किधर से उसका काम होता है, तुम लोगों को तो मालूम है। binomial का meaning क्या है? By का मतलब two है, nominal का मतलब क्या है? Related to number। क्या बोला? Related to number। दो number के बीच जो relation है उसको binomial theorem बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तुम लोगों को पता है a plus b का whole square का formula क्या है? ये तो तुम लोगों को मालूम है, a square plus 2ab plus b square। तो इधर कितना नंबर है? दो ही नंबर है, एक a है और एक b है। ये दोनों नंबर के बीच जो रिलेशन है, तो इसका जो सीरीज एक्सपेंशन जो है, तो उसमें क्या होता है तुम लोगों को मालूम है, a square plus 2ab plus बी स्क्वायर होता है। दो तीन चीज ठीक से समझ लो। ये दोनों नंबर का पावर जब टू होगा, नंबर कितना आएगा? एक दो तीन, कितना टर्म्स है? थ्री सर। तो मान लो जब पावर थ्री होगा तब क्या होगा, कितना टर्म्स होगा? फोर। तो इसका मतलब तुम लोगों को तो मालूम है a plus b का whole cube का formula क्या है, a cube plus 3 a square b plus 3 ab square plus b cube, चार ही तो term है। अभी ये power जब n हो जाएगा तब कितना term होगा? n minus 1 क्यों होगा? power 2 होगा तो term होता है 3 plus 1। हाँ, plus 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, मान लो a plus b का whole to the power 10 है तो कितना number होगा? 11 होगा। समझ में आ गया? पहले ये छोटा छोटा जो प्रॉपर्टी है ये समझ लो। तो इसका मतलब क्या है, इसका पावर जो भी होगा टर्म एक बढ़ जाएगा। उसके बाद और एक चीज देखो, ये जब स्क्वायर है, जब पावर क्या है? स्क्वायर। इसके बाद क्या है? ए का पावर भी क्या है? स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, इसको तो ऐसे ही भी तो हम लिख सकते हैं, a डॉट a लिख सकते हैं ना? यस सर। तो इसका मतलब कितना टर्म हो गया? a कितना आया? 2 बार। उसके बाद क्या आया? a 2ab टर्म कितना आया? 2। यस सर। उसके बाद b स्क्वायर कितना बार? 2 सर। दो बार आया। 2। तो तुम लोग देखो, a का पावर पहले क्या था? 2, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद a टू द पावर 0 हो गया। b का पावर इंक्रीज हो रहा है, पहले क्या था? b टू द पावर 0 था, उसके बाद b टू द पावर 1 हो गया, उसके बाद b स्क्वायर हो गया। कुल मिलाकर सबका पावर देखो, इधर क्या है? 2। इधर क्या है? a टू द पावर 1 हम लिख सकते हैं ना? यस सर। इनटू b टू द पावर 1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये 1 + 1 दोनों को कुल मिलाकर क्या होगा? 2 ही तो होगा। उसके बाद b का पावर क्या है? 2। तो इसका मतलब क्या है, जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी a plus b का होल क्यूब मानो और होल टू द पावर n मानो और होल टू द पावर 10, जो भी होगा बीच में जितना टर्म आएगा उसका पावर, उसका नाम क्वांटिटी कुल मिलाकर वही होगा। इधर 3 है तो हर टर्म में क्या होगा? a क्यूब होगा। उसके बाद क्या होगा? a का पावर 1 कम हो जाएगा, स्क्वायर होगा, उसके साथ क्या होगा? b होगा। उसके बाद क्या होगा? a इंटू b स्क्वायर होगा, उसके बाद b क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ सर। उसके बाद और एक टर्म हम लोग समझेंगे, क्या है? फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन
ये जो नोटेशन लिखा है n फैक्टोरियल, क्या लिखा है? n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है, इसका सिंबल का मीनिंग क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? इसका मतलब समझ में आया? ना सर। यस सर। नहीं समझ में आया? तो अभी देखो, हम लिखेंगे थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर किधर से स्टार्ट होता है? वन से स्टार्ट होता है। हमने तुम लोगों को बोला था नेचुरल नंबर क्या है, जो नंबर नेचुरली हम लोगों का माइंड में आता है। तो नेचुरली हम लोगों का माइंड में क्या आता है? वन आता है, टू आता है, थ्री होता है। कभी तो ऐसा तो नहीं होता है हम लोगों का माइंड में नेगेटिव आ गया। तो बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे लोग पहले बोलते हैं हम एक एक बिस्कुट खाएंगे, उसके बाद दो बिस्कुट, थ्री तीन बिस्कुट, ऐसा ही बोलते हैं। कोई तो नहीं बोलता है माइनस टू बिस्कुट खाएंगे। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? जो नेचुरली हम लोगों का माइंड में आता है। तो थ्री फैक्टोरियल का मतलब है नेचुरल नंबर किधर से स्टार्ट हो रहा है? वन, उसके बाद क्या आता है? टू, उसके बाद लास्ट वाला क्या है? थ्री। ये थ्री फैक्टोरियल का मतलब है वन से थ्री तक जो जो नेचुरल नंबर है वो सबका मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा? समझ में आ गया? तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर, वो किधर की स्टॉप होगा? n, n। तो इसका तो तुम लोग बोलो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 1 होगा सर, 1 सर, 1 ही होगा सर, 1 1 ही होगा सर, 1 ही होगा। तो अभी तुम लोग बोलो 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा? 1 2 3 ठीक है, 5 पॉइंट तो सब 120 120 होगा सर, 120 होगा, 120। समझ में आ गया? अभी एक चीज समझ लो, ये जो n जो नंबर लिखा है ना, इसका पहले नंबर क्या होगा सर? n -1 सर, n -1 होगा। तो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सुनो। हाँ सर, हाँ सर। देखो इसको क्या लिखा हमने, इनका पहले वाला टर्म क्या है? n माइनस वन। तो वन से n माइनस वन टर्म तक ये जो मल्टीप्लीकेशन है, इसको तो हम लिख सकते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल, लिख सकते हैं तो? हाँ सर। हाँ ना? हाँ सर, हाँ सर। तो उसके बाद कौन बच गया? कौन बच गया? n। इसका मतलब क्या है? ये जो हमने लिखा थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल को तो हम लिख सकते हैं टू फैक्टोरियल इंटू थ्री। समझ में आ गया? यस सर। इसका मतलब क्या है? थ्री फैक्टोरियल जब होगा, थ्री जब निकल आएगा, उसके पहले वाला जो टर्म है वही तक फैक्टोरियल होगा। उसके बाद समझ लो ऐसा हो सकता है, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n बाहर में आ गया, उसके बाद जब n माइनस वन चले आएगा तो n कितना फैक्टोरियल होगा? n माइनस टू फैक्टोरियल होगा। तो पहले क्या था? n निकल गया तो क्या होगा? n माइनस वन फैक्टोरियल। अभी n माइनस वन जब निकल जाएगा तो उसके n माइनस वन के पहले वाला टर्म क्या है? n माइनस टू ही तो होगा। यस सर, यस सर। तो n निकल गया, n माइनस वन निकल गया, उसके बाद क्या रह जाएगा? n माइनस टू फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है समझ लो, फाइव फैक्टोरियल का मतलब क्या है? जब फाइव जब निकल जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? फोर फैक्टोरियल। यस सर, होगा। तो उसके बाद फाइव भी निकल गया, फोर भी निकल गया, हम क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? अभी मान लो थ्री जब निकल जाएगा तो क्या लिखेंगे? टू जब निकल जाएगा तो क्या लिखेंगे? तो वन फैक्टोरियल का मतलब तो वन ही है। समझ में आ गया? यस सर। ओके, यस सर। ओके, अभी ये फैक्टोरियल का टर्म तो हम लोगों का समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग दो चीज याद में रखेंगे,
क्या इसका प्रूफ अभी तक हम नहीं करेंगे, अभी हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है प्रॉब्लम करेंगे। हेलो यस सर। अभी देखो जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल का मीनिंग तुम लोगों को याद रखना चाहिए, जीरो फैक्टोरियल का मीनिंग होगा वन, कैसे होगा बाद में बोलेंगे। उसके बाद देखो कोई नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल का मतलब भी वन होगा। तो अभी तुम लोगों को कोई बोलेगा जीरो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, तुम लोग क्या बोलोगे वन। माइनस फाइव फैक्टोरियल क्या होगा, वन। इसके बाद दो ही चीज बाकी है। अभी देखो अभी दो सिंबल हम यूज करेंगे, तो वो सिंबल में एक सिंबल जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, जो कॉम्बिनेशन का जो सिंबल है वो ही हम यूज करेंगे, पर उसका जो ज्यादातर जो इलाबोरेटली जो मीनिंग है वो समझने में दिक्कत होगा अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, काम करने के लिए जो ही चाहिए वो करेंगे, ठीक है। तो वो सिंबल हम पहले लिख देते हैं, क्या लिखा, NCR। अभी तुम लोग हमको बोलोगे सर NCR क्या है, ये NCR का मतलब क्या है, तो ब्रीफली सुन लो NCR का मतलब है। अभी तुम लोग 10 स्टूडेंट हो, अभी 10 स्टूडेंट से हम तीनों लोग को कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो तीनों आदमी तो कोई भी हो सकता है। मान लो वो जो 10 जो स्टूडेंट है उसका अंदर तो अमर भी है, अकबर भी है, एंटोनी भी है, तो हमने ले लिया अमर अकबर एंटोनी को ले लिया, तो कोई भी लेकर ले सकते हैं। उसके अंदर तो राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी है, तो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न को भी तो ले सकते हैं, और कोई तो ऐसे भी ले सकते हैं राम को ले लिया, अमिताभ को ले लिया और एंटोनी को ले लिया, ऐसे भी तो हो सकता है। तो NCR का मतलब क्या है, एन ऑब्जेक्ट का अंदर हम आर ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो इसका मतलब हम लोगों को समझने में दिक्कत होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। इसका सिंबल का मीनिंग पहले हम लोग समझिए क्या होगा, इसका मतलब क्या है, बोलो क्या लिखते हैं, ये क्या है, एन माइनस वन, एन माइनस वन। क्या लिखा हमने इधर, n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा, n माइनस r फैक्टोरियल, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, मान लो हमारे पास ऐसा है, क्या लिखा, 5C2 का ओरिजिनल मीनिंग क्या है, 5C2 का मतलब है पांचों ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से हम दो ही ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, कितने ऑप्शन हो सकता है, पांचों आदमी से हम दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, तो जो भी है, तो इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या है, हमने क्या बोला, जो ऊपर में है उसका फैक्टोरियल, ऊपर में क्या वन है, 5 है उसका फैक्टोरियल, अच्छा 5 और 2 का माइनस फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, अब 2 का हमने लिख दिया 3 फैक्टोरियल, उसके साथ जो डिनोमिनेटर में है क्या है 2, उसका भी फैक्टोरियल, तो अभी इसका वैल्यू क्या होगा बोलो, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 * 2 * 3 * 4 * 5 होगा ना, 120, वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा उसके बाद 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 × 2 × 3 हो गया, 1 × 2। उसके बाद 2 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 1 × 2, 1 × 2। तो अभी देखो ये जो 1 2 3 ये तो चला गया,
ऊपर से भी 1 2 3 चला गया, इधर से भी चला गया 4 5 1 कौन बच गया 4 5 1 अच्छा ये 2 के साथ 4 कैंसिल होगा तो क्या होगा 10 होगा 5 2 10 13 10 होगा अभी क्या होगा आंसर यस सर ये तो इसका मतलब समझ में आ गया यस सर यस सर ये सर ये तो फॉर्मूला है पर इसके बाद भी हम लोग हमारे पास ट्रिक्स है जो ट्रिक से हम फास्टली इसका वैल्यू निकल आएगा तो अभी तुम लोग बोलो 6 बोलो क्या दिक्कत है बोलो क्या लिखा हमने अरे तुम लोग फाइंड करो 63 दो बार लिखेंगे ओके अच्छा इसका वैल्यू बोलो क्या होगा सर 27 सर यस सर सर 27 सर 20 होगा हां सर 20 सर 20 सर बाकी सब लोग बोलो क्या होता है सर 20 आ सकते अभी ये क्या है ना हां 20 अच्छा अभी तुम लोग बोलो और एक चीज दो तीन एग्जांपल करेंगे उसके बाद बोलो इसका वैल्यू क्या होगा सिक्स सिक्स अभी एक चीज देखो इसका जो अल्टरनेटिव जो मेथड है अल्टरनेटिव मेथड बहुत इजी है ध्यान से सुनो ऊपर में क्या लिखा है हमारा साथ बोलना पड़ेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा बोलो ऊपर में क्या लिखा है 5 5 5 मूव कर रहा है बोलो ऊपर में क्या लिखा है 5 2 सर 2 सर अच्छा 2 इधर क्या लिखा है 2 सर तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग ऊपर में दो ही टर्म लिखेंगे कितना टर्म लिखेंगे कैसे लिखेंगे ये जो ऊपर वाला जो टर्म है उसको हम पीछे लेकर जाएंगे टू टाइम्स तो पहले क्या होगा 5 होगा उसके बाद क्या होगा 4 होगा होगा नहीं होगा उसके बाद डिनोमिनेटर में जो है उसका फैक्टोरियल लिखेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा 20 देखो 20 ऊपर में क्या होगा जल्दी बोलो ऊपर में क्या होगा 20 और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 तो कुल मिलाकर क्या होगा 10 आ गया समझ में आ गया अभी इसका देखो जो 20 वाला जो पार्ट है ये तुम लोग हमको बोलोगे कैसे ऊपर में क्या लिखा है जल्दी बोलो अच्छा इधर क्या लिखा है तो हम ऊपर में कितना टर्म्स लिखेंगे कितना टर्म्स लिखेंगे ये पहले बोलना पड़ेगा कितना टर्म्स लिखेंगे कैसे लिखेंगे पहले लिखेंगे 6 उसके बाद क्या लिखेंगे 4 सर 5 उसके बाद 3 सर 4 1 2 3 सर और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे यस सर 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल का मतलब तुम लोगों को तो मालूम है 6 होगा सर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 4 टू 3 1 2 3 4 टू 3 अरे 6 ही तो होगा जल्दी जल्दी क्या होगा 6 ही तो होगा तो 6 कट जाएगा तो क्या होगा आंसर 20 अभी इसके बाद भी ये इजी है अभी कोई हमको बोलेगा तुम एक काम करो तो
इसका मान क्या होगा नीचे टू फैक्टोरियल अंदर में क्या क्या होगा टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल का मतलब क्या है ये तो हमको पता नहीं है, ये मेरा ख्याल से तो ये होगा होगा नहीं होगा हो सकता है ये तो 45 है तार इधर क्या है 90 माइनस 1 है ना इसको करने के बाद क्या होगा 45 के साथ जब हम 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा यस यस सर हां सर होगा तो यस यस सर जो भी है तुम लोगों का समझ में आ गया अभी कोई हमको बोलेगा सर आपने तो इधर तो 90C2 तो लिख दिया ये तो हो गया हाँ डिनोमिनेटर में तो 2 फैक्टोरियल लिख दिया होगा पर ये तो अदर भी तो हो सकता है ये मान लीजिए सर ये 88 होगा तो क्या होगा तब क्या हम ऊपर में 90 लिखेंगे उसके बाद 89 लिखेंगे उसके बाद 86 लिखेंगे ऐसा करके 88 अभी ये जो फॉर्म हमने लिखा था पहले NCR. ये फॉर्म को पहले देखो क्या लिखा है एनसीआर क्या लिखा है एनसीआर तो एनसीआर का मतलब क्या था एन फैक्टोरियल ऊपर में जो है उसका फैक्टोरियल नीचे में जो है उसका फैक्टोरियल दोनों को जो माइनस करके उसका भी फैक्टोरियल ऊपर में क्या है एन फैक्टोरियल नीचे में क्या है आर उसका भी फैक्टोरियल वो दोनों का माइनस करने से क्या होगा एन माइनस आर फैक्टोरियल ये तो हमारा समझ में आ गया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पर हम लोग कोई थियोरी ऐसे ही नहीं लिखेंगे हम लोगों को समझ में आना चाहिए अभी देखो तुमने ठीक ही बोला पर हमने इसको और भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे कैसे अभी बोलो अभी हमारा प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है एन सी एन माइनस आर ये होगा तो इसका फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा बोलो जो हमको मालूम था ऐसे ही हम क्या लिखेंगे ऊपर में कौन है N, उसका फैक्टोरियल होगा और नहीं होगा बीच में क्या है n माइनस r है उसका भी फैक्टोरियल होगा और नहीं होगा अच्छा अभी बोलो ऊपर और नीचे में माइनस करेंगे तो क्या होगा n तो है उसके बाद माइनस n होगा माइनस माइनस प्लस r होगा होगा तो r बचेगा फिर तो ये माइनस n प्लस n जब कट जाएगा तो क्या होगा r फैक्टोरियल क्या होगा अभी बोलो ये दोनों क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है नो सर कोई डिफरेंस इसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है कुछ भी तो डिफरेंस नहीं है नो सर कोई डिफरेंस ताले इसका मतलब क्या है जो भी एनसीआर है वही एनसी एन माइनस आर है तो इसका मतलब क्या है जो भी 5C2 है वही 5C3 भी है समझ में आ गया जो भी 5C2 है 5 के साथ 2 माइनस करने से क्या होता है 3 होता है वही 5C3 है जो ही 5C5 है वही क्या है 6C1 बोलो क्या होगा 61 61 है हां सर अभी कौन बोल रहा था सौरत हां सर तो सौरत अभी ये रिजेक्शन सिलेक्शन का जो बात है वो तो हम माने समझ में आ गया कैसे होता है
तुमने फॉर्मूला याद रखा था, हमने फॉर्मूला को छोड़ दिया, अभी कॉन्सेप्ट में आ गया, अभी तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। अभी देखो जो भी 90C88 है वही क्या है 19 माइनस 90C, यस सर, हां सर, हां सर, 2, समझ में आ गया, यस सर, हां सर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सी वाला जो पार्ट में जो आर का जो वैल्यू है तुम लोग को याद रखना चाहिए, ये तो हमने लिख दिया है एनसीआर का, पर इसके साथ भी और एक चीज तुम लोग भी याद रखना चाहिए, इसमें तुम लोगों को ये होना चाहिए, ये जो एन वाला जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए, माने आर के साथ इक्वल हो सकता है, आर से वो क्या होगा, बड़ा होगा। ये जो सी का जो लास्ट में जो लिखा है आर, आर एन के ऊपर नहीं हो सकता है। तो इसके बाद में हम लोगों का समझ में आ गया, जो 90C88 है वही 90C2 है। तो अभी बोलो 100C1 का वैल्यू क्या होगा सर? 100 ही होगा, 100 ही होगा सर, क्यों बोले ना बोलो 100C1 सर, 100 ही होगा, 100 ही होगा वो क्या है 100 और अंदर में कौन है 1 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 ही होगा, तो ये क्या हो गया 100। तो इसके बाद हम एक कॉन्क्लूशन भी लिख सकते हैं, कॉन्क्लूशन को लिख देते हैं, इसके बाद तुम लोगों को याद हो जाएगा ये चीज। क्या लिखा है? NC1 का मतलब क्या है? N समझ में आ गया, तो जल्दी बोलो 9C1 का वैल्यू क्या होगा? 8। अच्छा 9C8 का वैल्यू क्या होगा? 9C8 का वैल्यू क्या होगा? 9C9 करेक्ट, यस सर, क्योंकि 9C8 क्या है, 9C1 ही है, तो 9C1 का मतलब तो 9 ही है, यस सर। तो हम एक काम करते हैं, ये तो लिख सकते हैं, जो ही NC1 है उसका वैल्यू n है, वही NC n-1 है, समझ में आ गया? अभी कोई हमको बोलेगा सर 11C1 का वैल्यू क्या होगा? 11 क्या होगा? 11 11 अच्छा 11C10 का वैल्यू क्या होगा? 11 अच्छा तुम लोग बोलो 11C2 का वैल्यू क्या होगा? सर 55 सर 55 11C2 का वैल्यू क्या होगा सर? 55 बाकी लोग बोल दो, बोलो सर 55 यस सर 55 सर। इसका मतलब क्या है? 10 × 11/2 तो 55 आ गया, समझ में आ गया। अभी लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट, ये बायनोमियल थ्योरम का लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये थ्योरम पढ़ने के पहले ये प्री रिक्विजिट नॉलेज हम लोगों को चाहिए। क्या लिखा हमने? 0 वैल्यू 1 का टाइम एन होगा 1 NC0 मतलब का NC0 का मतलब क्या है बोलो? यस सर 0 वैल्यू 1 का टाइम है तो ना, तुम लोग पहले बोलो ऊपर में क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा और नहीं होगा? यस सर अच्छा ये जो हमारा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एन फैक्टोरियल, नीचे में क्या है 0, तो उसका भी फैक्टोरियल होगा। उसके बाद एन माइनस 0 का वैल्यू क्या होता है? एन ही होता है, तो वही तो एन फैक्टोरियल हो गया। हम लोग को मालूम है 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है 1, ऊपर में भी 1 एन फैक्टोरियल है, नीचे में भी 1 एन फैक्टोरियल है, तो सब कट जाएगा तो क्या होगा 1 सर। तो एन सी 0 का वैल्यू क्या है 1, 10 सी 0 का वैल्यू क्या है 1, 5C0 वैल्यू का क्या क्या वैल्यू है? 1 5C5 का वैल्यू क्या है? 5 सर 5
क्या बोला हमने फाइव नहीं वन होगा। देखो ये जो भी एन सी जीरो है वही एन सी एन माइनस जीरो होगा तो यस सर तो एन माइनस जीरो क्या होगा एन ही तो होगा यस सर तो जो ही टेन सी जीरो है वही टेन सी टेन है क्या है वन समझ में आ गया अभी एक जल्दी रिकैपिटुलेशन करना जरूरी है बोलो 5C1 का वैल्यू क्या है जल्दी बोलो 5 बोलो 5C1 का वैल्यू क्या है 5 5C4 1 सर 1 5C4 5 5C0 बोलो 1 सर 1 3C3 1 सर 1 अभी ये हम लोग का समझ में आ गया ठीक है तो अभी बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है ये हम इसको लेकर काम करते हैं। ये भी बहुत इजी है। बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या है आज हम क्या करेंगे आज फर्स्ट क्लास है तो ये फर्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे मान लो हमारा पास एक क्वांटिटी है a प्लस बी इसको क्यू बाइनोमियल हमने फिर से बोलेंगे बाई का मतलब टू है ये दोनों नंबर है एक है a और एक है b नोमियल का मतलब क्या है रिलेटेड टू नंबर रिलेटेड टू टीओ टू टू नंबर ये दोनों नंबर का बीच जो रिलेशन है उसको बाइनोमियल बोलते हैं तो मान लो इसका पावर एन है एन इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी एन इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी और एन इज ए नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर का मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी ये नेचुरल नंबर है तो बाइनोमियल क्या बोलते हैं बाइनोमियल बोलते हैं ये जो भी है पावर क्या है n इसका मतलब कितना क्वांटिटी होगा n प्लस 1 होगा और नहीं होगा पावर हमने बोला था पावर जब n प्लस 1 क्वांटिटी क्या होगा 4 होगा पावर जब n प्लस 1 कितना होगा n प्लस 1 हां तो ये n हो जाने के बाद इसका एक्सपेंशन कैसे होगा एक्सपेंशन ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला कैसे हम याद रखेंगे इसका मतलब बहुत इजी है अभी देखो हम और भी टर्म लिखेंगे पर समझ लो कैसे लिखते हैं पहले स्टार्ट किधर से होता है एन सी जीरो क्या लिखा एन सी जीरो अच्छा अभी तुम लोग बोलोगे सर ए टू दी पावर एन कैसे लिखा बी सर बी तो कितना टर्म है एक टर्म है ए और एक टर्म क्या है बी जीरो 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 तो एन सी जीरो लिखने के बाद नीचे में क्या लिखा है जीरो अभी देख लो नीचे में लिखा है सर बी का ये जो जीरो है ये बी का पावर में जाएगा किसका पावर में जाएगा बी का अच्छा टोटलिटी में क्या है एन है एन के साथ जीरो माइनस करने के क्या होता है एन वो ए का पावर में जाएगा तो क्या होगा एन होगा अभी देखो ये कुल मिलाकर एन प्लस जीरो करने से क्या है एन ही होता है
अभी ये दूसरा वाला पार्ट देखो, दूसरा वाला पार्ट में क्या लिखा है, वन। तो ये वन किसका पावर में चला गया, अच्छा ए का पावर में क्या होगा, टोटलिटी में क्या है एन, एन माइनस वन। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। और भी अच्छा तरीका क्या है, हमने जो पहले बोला था तुम लोगों को, ए का पावर कम हो जा रहा है, बी का पावर बढ़ रहा है। पहले क्या क्या है, ए का पावर एन है, उसके बाद एन माइनस वन है, उसके बाद एन माइनस टू है, उसके बाद एन माइनस थ्री है, उसके बाद एन माइनस फोर है, उसके बाद लास्ट में क्या होगा, जीरो। बी का पावर पहले क्या है, जीरो, उसके बाद क्या है, वन, उसके बाद क्या है, टू। तो अभी एक चीज तुम लोग देख लो, ये बहुत इजी है, इधर टू होगा, इधर टू होगा, तो बी का पावर में भी क्या होगा, टू ही होगा, टू। समझ में आ गया, अच्छा। अभी एक चीज देखो, इसके बाद बहुत सारा टर्म है, वो तो सब हम नहीं लिखेंगे, एक जनरल टर्म लिखते हैं। मान लो इधर एक जनरल टर्म है एनसीआर, ये जनरल, मिडिल में कोई भी टर्म हो सकता है। तो जब एनसीआर होगा, तुम लोगों को तो कॉन्सेप्ट में है, एक टर्म है ए और एक टर्म है बी। अभी तुम लोग हमको बोलोगे ए का पावर में क्या होगा, बी का पावर में क्या होगा, बी का पावर में क्या होगा, आर, वेरी गुड। अच्छा ए का पावर में क्या होगा, यस सर, एन माइनस आर। समझ में आ गया, ये एक जनरल टर्म है। उसके बाद लास्ट वाला टर्म हम लिखेंगे, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, ये एन से स्टार्ट होता है तो एन में ही क्लोज्ड होगा। कैसे होगा, अभी तुम लोग बोलोगे सर कैसे होगा, ये भी तो हम तुम लोगों को बोलेंगे, बोलो बी का पावर क्या होगा, अच्छा ए का पावर क्या होगा, एन माइनस एन, जीरो। अभी देखो ये स्टार्ट किधर से होता है, जीरो से, उसके बाद वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, उसके बाद एन है। तो वन से ये देखो, वन से एन तक कितना टर्म है, एन टर्म है, उसके साथ ये जीरो वाला टर्म है, तो कुल मिलाकर क्या होगा, एन प्लस वन टर्म है और नहीं है। अभी समझ में आ गया, तो जब वन होगा ये बीच जो लास्ट में सी का जो अंदर में जब वन होगा, बी का पावर क्या होगा, वन होगा, इधर टू होगा तो ये टू होगा, इधर आर होगा तो इधर आर होगा। ये बोलो ये कितना टर्म है, ये फर्स्ट वाला टर्म है, ये सुन लो, ये क्या है, सेकंड, अच्छा सेकंड में सी का इधर क्या लिखा है, वन। समझ में आ गया, तीन नंबर टर्म, ये कितना वाला टर्म है, इधर क्या लिखा है बोलो, पर ये टर्म की कितना टर्म है, थर्ड वाला टर्म है ना, अच्छा ये कितना वाला टर्म है, एन प्लस वन, आर प्लस वन। समझ में आ गया, ये कितना वाला टर्म है, एन प्लस वन। तो अभी कोई हमको बोलेगा जो लिख दो जनरल टर्म, जनरल टर्म, ये एक्सप्रेशन का क्या होगा, जनरल टर्म का मतलब क्या है, आर प्लस वन नेट टर्म क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, जनरल टर्म क्या होगा, ये है सर। समझ में आ गया, ये ऊपर में जो लिखा है ये बायनोमियल एक्सपेंशन है, और ये क्या है, हमने जनरल टर्म लिखा सर, ये दोनों चीज। बोलो समझ में आ गया, ये सुन लो, यस सर, यस सर, समझ में आ गया, यस सर। अभी हम एक काम करेंगे, तुम लोगों का समझ में आया और नहीं आया, इसके पहले हम एक काम करते हैं,
क्या लिख दिया, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्यों हमने बोला था एन क्या है, नेचुरल नंबर है, समझ में आ गया, बोलो। अभी क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये करने के बाद भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ये बहुत इजी है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत इजी है, तुम लोग बोलोगे हमको। देखो ये सबने लिख लिया, एक काम करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन वाई एक्स का पावर 20 सर, क्या लिखा बोलो जल्दी, ये जो एक्सपेंशन है, अच्छा इधर ए कौन है जल्दी बोलो, ए कौन है, वन वाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, आर बी कौन है, 20 वन वाई एक्स, इसका पावर कौन है, 20। अभी हम लोगों का समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, ये तो हम लोगों का समझ में आ गया, ठीक है ना, अभी इसका जनरल टर्म तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या है बाद में बोलेंगे, इसका जनरल टर्म तुम लोगों को बोलना पड़ेगा, 21 अच्छा इसका पावर 20 है तो कितना टर्म होगा, ये टोटल एक्सपेंशन करने से कितना टर्म होगा, 21 वेरी गुड 21 होगा, यस सर, स्टार्ट किधर से होगा, 20C0 से स्टार्ट होगा, क्या होगा 20C0 से स्टार्ट होगा, यस सर, यस सर, उसके बाद क्या होगा, n का वैल्यू तो 20 है सर, ठीक है ना, वहां से सर अब स्टार्ट होगा सर 20C0 में आया तो बोलो a का x का वैल्यू सर आपका क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, और b का जो वैल्यू होगा सर वो 0 रहेगा, उसके बाद प्लस फिर n मतलब 20C1 फिर x का वैल्यू थोड़ा सा एक कम हो जाएगा और b का वैल्यू एक बढ़ जाएगा, वैसे करते करते चलेगा, फिर n मतलब 20C1 फिर x का वैल्यू थोड़ा सा एक कम हो जाएगा और b का वैल्यू एक बढ़ जाएगा, वैसे करते करते ऐसे करने से होगा, ठीक है ओके, यही तो है, होगा नहीं होगा, ए बी और एन ही तो हमको चाहिए, और क्या दिक्कत है, तो अभी ये जनरल टर्म पहले लिख लो, जनरल टर्म का मतलब क्या है, ये कितना वाला टर्म है, आर प्लस वन एथ टर्म, आर प्लस वन होने से इसको हम क्या लिखते हैं, इसका एक सिंबल है, पॉपुलर सिंबल जो लोग लिखते हैं, आर प्लस वन, टी आर प्लस वन, हम लोग लिखते हैं टी आर प्लस वन, क्यों टी आर प्लस वन लिखते हैं, टर्म है ये आर प्लस वन एथ टर्म है, इसलिए हम इसको लिखते हैं टी आर प्लस वन, अभी क्या होगा, अभी क्या लिखेंगे, 20 एनसीआर का मतलब क्या लिखेंगे, क्या होगा 20, अच्छा उसके बाद बोलो ए का वैल्यू क्या है, इसका पावर बाद में लिखेंगे, पहले बी का लिखते हैं, आर आर, अच्छा इधर आर है तो बी का पावर भी क्या होगा, माइनस आर, और ए का पावर क्या होगा, एन माइनस आर, ये जनरल टर्म हो गया, ठीक है ये सर लिखा, अभी क्वेश्चन लिख लो, ये लिखा क्वेश्चन लिखो, ये जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन को हम लिख देते हैं तो तुम लोगों का समझ में आ जाएगा, ये तो हो गया बहुत छोटा,
यस सर यस सर क्वेश्चन लिख लिया इन द एक्सप्रेशन फाइंड द कांस्टेंट टर्म इसका मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है कांस्टेंट का मतलब कोई भी एक्स कुछ भी नहीं होगा टर्म का वैल्यू होगा पर एक्स नहीं होगा हाँ समझ में आ गया नहीं सर कौन बोल रहा है कौन सा टर्म में इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है इन द एक्सप्रेशन फाइंड द कांस्टेंट टर्म इसका तो एक्सपेंशन होगा एक्सपेंशन में कितना नंबर होगा 21 नंबर होगा एक्सप्रेशन में तो बोल रहा है इसका बीच कोई भी टर्म होगा जिधर कोई एक्स वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा ओनली वैल्यू रहेगा तो हमको क्या पता कब होगा ये सर बुझ दो बच्चे ना वो बोल ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है यस सर बुझ दो बच्चे ना माने बोलते जाइए जे ये जे एक्सप्रेशनটা তে এটা তো জেনারেল টার্ম লিখলাম এটা কি জেনারেল টার্ম তো यस सर তার মানে প্রত্যেকটা টার্মতে এরকম করে বাড়ছে কমছে মানে r এর ভ্যালু 0 হয়েছে যখন তখন এটা 1 হয়েছে যখন তখন 8টা 1 2 হয়েছে যখন তখন 2 এরকম করতে করতে তো এক্সপ্রেশনে 21 খানা টার্ম হবে হ্যাঁ স্যার হবে যেখানে x এর ভ্যালু গুলো কাটাকুটি এসব সমস্ত তো হবে হবে না হবে না হ্যাঁ স্যার হবে হতে হতে একটা জায়গায় তুমি লোক সমঝলো यस सर ये बोलो x का वैल्यू अभी क्या है 3n minus 3r है तो 20 सर 20 इधर क्या लिखा है n का वैल्यू क्या है बोलो 60 60n minus तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा x का पावर 60 60 minus 3r होगा तो सर होगा उसके बाद minus 2r होगा हाँ और ना यस सर 2r इधर जो x स्क्वायर है उसके पावर में तो r चला जाएगा 2r होगा ऊपर में चला जाएगा तो क्या होगा 2r होगा नहीं होगा सर तो इसका मतलब क्या है x का पावर क्या आ गया 60 minus 5r होगा यस सर अभी बोलो बोला ये तो जनरल टर्म है तो ये एक्सप्रेशन का अंदर एक टर्म तो होगा हो सकता है जिधर एक्स नहीं रहेगा तो एक्स नहीं रहेगा तो ये जो 20 सीआर है जो भी है इसका तो एक वैल्यू होगा मान लो 10 20 25 90 100 कुछ भी तो होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा जब एक्स रहेगा तो तब तो ये कांस्टेंट नहीं होगा समझ में आ गया तो बोल रहा है कब ऐसा पोजीशन के आ सकता है जब ये एक्सप्रेशन का में कोई भी एक्स नहीं रहेगा ये भी अलग क्वेश्चन है क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है बोलेगा ये जो एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी टर्म होगा जिधर कोई एक्स नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे देखेंगे ये तो जनरल टर्म लिख दिया उसके बाद जो क्वेश्चन है एक्स वाला टर्म नहीं रहेगा तो 60 माइनस 5 आर क्या होगा 0 होगा होगा नहीं होगा कोई हमको पूछेगा इसका अंदर कोई भी एक्स नहीं रहेगा एक्स कब नहीं रहेगा जब 60 माइनस 5 आर 0 होगा इस तरह होगा होगा सर तो इसका मतलब क्या होगा 60 इज इक्वल टू 5 आर होगा 12 सर होगा नहीं होगा इस तरह होगा सर तो इसका मतलब आर का वैल्यू क्या है 12 तो इसका मतलब हम लोगों के पास आ गया आंसर जब आर का वैल्यू 12 होगा तब कोई भी एक्स नहीं रहेगा 13 टर्म सर 13 तो ये कितना टर्म में आर का वैल्यू 12 होगा 13 टर्म में वेरी गुड 13 सर आर का वैल्यू जब 12 होगा आर का वैल्यू जब 12 होगा तब टर्म क्या होगा 12 प्लस 1 13 टर्म समझ में आ गया जब होगा अभी हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था इसका वैल्यू जब कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा अभी देखो जब कांस्टेंट होगा ये तो एक्स से चला जाएगा अभी देखो
हम क्या लिखते हैं, ये r का वैल्यू जब 12 होगा, 20 से 12, तब वैल्यू क्या होगा जल्दी देखो, ये सर 500, ये सर 12 होगा तो, यस सर, अच्छा ये भी तो 12 होगा, तो ये जब 12 होगा ये तो चला जाएगा, तो अभी हो गया क्या, कांस्टेंट हो गया ना 20 से 12, तो इसका वैल्यू आ गया, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गया 20 से 12, क्या आ गया 20 से 12, अभी 20 से 12 का वैल्यू तुम लिख सकते हो भी और नहीं लिखने से भी होगा, ट्वेंटी सी ट्वेल्व का वैल्यू क्या होगा हमको पता नहीं है, क्या हो सकता है, होगा और नहीं होगा, तो जब हम लोगों को पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये 20 सी ट्वेल्व भी लिख देंगे, समझ में आया कॉन्सेप्ट तुम लोगों का, समझ में आया और नहीं आया, सवाई बुझते बोले ना पारो नहीं, अभी आज का ये बाइनोमियल का ये फर्स्ट फेज है, तो आज और टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या करेंगे 5 मिनट्स और एक्स्ट्रा लेंगे, हां सर लेंगे ना, हां सर कौन, हां सर आ रहा, बाकी लोग क्या बोलते हैं, यस सर, हां सर तुम लोगों का समझ में आ रहा है, तो अभी तुम लोग हमको एक बोलो इसका पावर, ये जो बाइनोमियल जो भी है इसकी पावर है, अभी तो एक्सप्रेशन का पावर कितना है 20, टर्म कितना होगा 21, अच्छा बोलो जब टर्म ऑड नंबर होता है, 21 तो ऑड ही नंबर है, जब पावर और जो पावर जब इवन होता है टर्म होता है, दो मिडिल टर्म हो जाएगा, होने से मिडिल टर्म इसका होगा, एक होगा और दो होगा मिडिल टर्म, सर एक का ही होगा, सर एक का ही होगा मिडिल टर्म, सर दो मिडिल टर्म हो जाएगा, नहीं समझ ठीक से समझो सर, एक का ही होगा, एक का ही मिडिल टर्म होगा, एक का ही मिडिल टर्म होगा, तो मान लो इसका पावर 2 है, पावर क्या है 1, यस सर 2, टर्म कितना होगा 3, यस सर, अच्छा मिडिल टर्म कितना होगा, एक ही होगा 1, यस सर, वो क्या होगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2, यस सर, तो अभी बोलो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, 21 तो टोटल टर्म है, उसके साथ 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 22, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 टर्म, जो 11 टर्म है वही मिडिल टर्म होगा और नहीं होगा, समझ में आ गया, फॉर्मूला भूल जाओ, अभी जो कॉन्सेप्ट तुम लोगों का समझ में आया और नहीं आया, 11 होगा, 11 सर, 11, अभी बोलो पावर 10 होगा तो टर्म कितना, 11, यस सर, टर्म कितना होगा 11 होगा, तो इसका मिडिल टर्म कौन सा वाला टर्म होगा, 6 सर, छह नंबर 6 नंबर, कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, 6 सर, 6 नंबर, 1 যোগ করে 12, কি করে পেলাম পাওয়ার 10, নাম টার্ম হলো 11, 11 থেকে 1 যোগ করলাম কত হলো 12, 12 কে 2 দিয়ে ভাগ করলাম কত হলো 6, ঠিক আছে, আমি ইয়ে তো হো গিয়া মানে ইভেন পাওয়ার বলেছে, अभी मान लो हमारा पावर जो है वो ऑड है, मान लो 3 है, टर्म कितना होगा 4, यस सर, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, 4 के 2 दिए डिवाइड कर कर दो तो क्या होगा 2 होगा, उसके बाद वाला टर्म क्या है 3, यस सर, 2 और 2 और 3 दोनों ही क्या होगा मिडिल टर्म होगा, तो इसका मतलब क्या है, तुम लोगों को समझना चाहिए जब पावर जब इवन होगा मिडिल टर्म एक ही होगा, पावर जब ऑड होगा तब टर्म मिडिल टर्म कितना होगा, टू होगा, तो इस बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके पहले एक इसका एक प्रॉब्लम कर लेते हैं तो समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा,
8 सर। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन का पावर कितना है जल्दी 1/2 टोटल टर्म कितना होगा जल्दी 9 5 9 5 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
9 प्लस 1 बाय 2 कैसे हुआ 9 प्लस 1 बाय 2। ठीक है तो हमने लिख दिया, क्या लिखेंगे T5। यस सर फिफ्थ टर्म है ना। अच्छा बोलो इसका फिफ्थ टर्म कैसे हम लिखेंगे। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4+1 लिख सकते हैं ना। तो बाइनोमियल में क्या होता है, एक कम हो जाता है ना, 8c0। अच्छा उसके बाद बोलो क्या होगा, जनरल टर्म बोलो, 8 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 8c4 लिखेंगे, 0 क्यों लिखेंगे, 4 हम तो डायरेक्ट लिखते हैं मिडिल टर्म, तो इधर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, 4 देखो क्या था, जब r प्लस 1 होगा तब r होता है, जब 4 प्लस 1 होगा तब क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अभी a का वैल्यू बोलो, लिख दिया 3x। b का वैल्यू बोलो सर, दोनों का पावर 4 होगा सर, लिख दिया, अभी पावर लिखना पड़ेगा सर, 4 बोलो, b का पावर क्या लिखेंगे जल्दी, हो गया 1/16 x टू द पावर, बोलो इसका वैल्यू क्या होगा जल्दी, 81। वो भी हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, x टू द पावर 4 लिखेंगे और नहीं लिखेंगे, हां सर, हां सर, ये सर, हां सर लिखेंगे, हां लिख दो। अच्छा बोलो माइनस वन का टू दी पावर 4 होगा तो प्लस हो जाएगा ना, 16x। उसके बाद बोलो ये ऊपर में तो 1 हो गया, 2 टू दी पावर 4 क्या होगा जल्दी, 16x। और क्या हो गया, x टू दी पावर 4 ही तो होगा, अभी x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4 कट जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, करो 70 × 81, उसको 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 354.375। मुझको मालूम नहीं है, 2835 लिख दिया, 354.375 क्या आया बोलो, 354.375। अच्छा तुम्हारा कैलकुलेटर में एक बटन है ना, सिर्फ बटन के दो अंदर एबीसी लिखकर लिखा है ना सर, 2835 डिवाइडेड बाय 8 वही सर, जो प्रेस करो तो क्या आता है, 6 होगा, 6 की जगह 5 होगा सर, यस सर वही आ रहा है सर, ठीक है सर, जो लिखे हैं सर 5 6 होगा, 6 की जगह 5, यस सर वही आ रहा है, तो ये तुम्हारा समझ में आ गया, जब जो जब जब डेसिमल में आएगा, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ गया, एबीसी बटन पे क्लिक करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी है सर, ठीक है,
हाँ ये वाला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी है। ए हो गया ये लक बाय चांस, ये नहीं भी हो सकता था, हो गया। यस सर ठीक है, ठीक है सब लोग का समझ में आया, तो ये बहुत इजी है। जो लोग एच एस में किया था वो लोग भी तुम लोग बोलोगे ये बहुत इजी है, इजी है ना।